लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ झूठ बोले कौवा काटे। आपका दोस्त, आपका होस्ट रॉकी, और ये रही लाई डिटेक्टिंग चेयर, यानी झूठ पकड़ने वाली मशीन। और आज इस पे बैठने का साहस करेंगे हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री श्री भोलाराम सच्चा। नमस्कार। जिस तरह से तूने मुझे शो से निकाला था, देख बेटा मैं तुझे कैसे निकालता हूँ। तू वही बोलेगा जो मैं तुझसे बोलवाऊंगा। भोलाराम जी, पहले हम अपने ऑडियंस को ये बता दें कि जो भी सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ वो सब आप ही ने मुझे लिख के दिए हैं। बोलिए हाँ या ना। नहीं। लाइट जल गई है। देखो, हमारे देश के इतने बड़े झूठे नेता लाल लाइट की गाड़ी में घूमने के लिए इन्होंने पता नहीं कितने आदमियों के खून से अपने हाथ रंगे होंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? सर, मैं खुद नहीं जानता हूँ मैं क्या क्या कह रहा हूँ। सॉरी सर। गट। अरे सॉरी क्यों बोलूँ तुझे? मोटे गेंडे हिप्पोपोटामस। नाम है भोला लेकिन है अब तक भोला। पागल हो गया क्या? छोड़ूंगा नहीं तुझे, जेल में भिजवा दूंगा, सड़वा डालूंगा पागल खाने में। अरे तू क्या सड़ाएगा मुझे सड़े हुए? आलिया चलो उसको रोकना पड़ेगा। ऐसे सड़े हुए अंडे फेंक के मारूंगा तुझे और एक भी मिस नहीं करूंगा। रॉकी तुम पागल हो गए क्या? Have you gone mad? मैं हो क्या गया? Sir, what are you doing? पता नहीं, कहना कुछ और चाह रहा हूँ, कह कुछ और रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, अभी प्लीज माफी मांग। अरे शट अप छिपकली, याद है वो बिकनी? सबके सामने पहनाकर इसी स्टेज पे नचवाऊंगा। रॉकी इतनी पब्लिक है उनका तो लिहाज करो। पब्लिक? अरे ताली मारने वाले हिजड़े हिजड़े। क्या बोल रही है? रॉकी तो पागल हो गए। इस लड़के ने हमारी बेइज्जती की मैंने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मैं जनता जनार्दन की बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। पागल हो गए वो क्या? झूठ बोल रहा है। ये क्या बकवास है? तुम लोग वहीं खड़े रहना। ए मंत्री, मैं जानता कि तू मुझे जेल भिजवाना चाहता है और तू मुझे नौकरी से निकालना चाहता है। और छिपकली, मैं जानता कि तू मुझे नफरत करने लगी है। और हिजड़ो, मैं ये भी जान चुका हूँ कि तुम लोग मुझे पटक पटक के मारने वाले हो, इसलिए मैं ये नौकरी क्या, मैं ये शहर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे तू तो दुनिया छोड़ के जा। रॉकी क्या कर रहा तुम? और ये रॉकी प्लीज। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे कैसे क्या ये सब? ये चीची, इसका रंग बहुत काला है। देवा रे देवा, पहले लड़का लोग तेरे को रिजेक्ट करते थे, तू अभी लड़का लोग को रिजेक्ट करती है। ए, तेरी तो निकल पड़ी रे एमपी। लो सिकाई कर लो। तुमने दवाई ली अपनी? क्या चाहिए? पानी लाऊं? कॉफी? तो फिर चाहिए क्या तुम्हें? अरे बेटा एक मिनट रुकना जरा। जी माँ। बेटा देख तेरे बाबूजी की क्या हालत हो गई है, इनके गले से कोई आवाज ही नहीं निकल रही। बहुत परेशान है बेचारे, इनको किसी डॉक्टर को दिखा देना ले जाके। माँ जब से इनकी बुद्धि बंद हुई है इस घर में कितना सुकून और शांति है, तुझे तो खुश होना चाहिए। कैसी बातें कर रहा है बेटा, मुझे तो अब इनकी किटकिट की भी आदत पड़ गई है। अब वो नहीं बोलते है ना तो मुझे बुरा लगता है। जा किसी डॉक्टर को दिखा दे बेटा। जी मैं भी तो सुनूं बाबूजी कितनी गालियां बकते हैं मन में मुझे। बुढ़ापे में इंसान बच्चों की खुशी के लिए तो जीता है, बेटा मेरा स्टार बन गया है, बेटी के अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, भगवान मुझे कल मौत दे दे तो चिंता नहीं। अरे वाह बाबूजी तो मन के अच्छे निकले, इनकी आवाज वापस दे देनी चाहिए। मुक्ति मिल जाएगी। एसपी एमपी सुनो मोहल्ले वालों, मेरी आवाज वापस आ गई। तुझे तो बड़ा दुख हो रहा होगा कि मेरी आवाज वापस आ गई। आपको आपकी आवाज वापस मिल गई और मुझे मेरा शो। अरे तो वापस चला जाएगा, टेंपरेरी है। सच बेटा? जी। तो फिर इंतजार किस बात का, आजकल सब कुछ ही ठीक हो रहा है। अब तू आलिया से भी जाके कह दे कि तू उससे प्यार करता है। हेलो। हेलो आलिया। हाय एपी। आलिया कल के रोज 28 साल पहले मैंने इस धरती पर जन्म लिया।
इस धरती और मानव जाति पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या इस एहसान का शुक्रिया अदा करने कि तुम मुझसे नहीं मिलोगी? कहां पे? हयात 18वें माले 1801। आलिया अंदर आ जाओ। जिया कैसी बेवकूफी की हरकतें करते हो तुम? कितने शहर बह जाते, लाखों लोग मर जाते, तुम्हें पता? एक मिनट, मैंने क्या किया? यू तो नो कि पिछले 5 घंटे से मैं आलिया के साथ था। तुमने चांद की पोजीशन चेंज कर दी, समुद्र का लेवल बढ़ गया। अगर मैं बीच में न पड़ता तो सारा पानी शहर के अंदर आ जाता। सॉरी, मुझे पता नहीं था। प्रकृति के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। वैसे भी तुम लोगों की वजह से प्रदूषण इतना बढ़ गया है, ऊपर से जब मैं देखता हूं तो दुनिया दिखाई नहीं देती। ये चांद का आपने क्या कर दिया? इसका कलर ही एकदम डिफरेंट हो गया है। ये चांद नहीं है, फिर दुनिया है। दुनिया? फिर चांद का है जिस पर तुम खड़े हो? नहीं, अनबिलीवेबल, ये चांद तो एकदम लद्दाख की तरह दिखता है। चांद तो बहुत देख लिया मेरे चांद, अब ये बताओ तुमने अभी तक क्या क्या किया? अरे क्या कुछ नहीं किया। नंबर 1 स्टार बन गया हूं। रॉकी को चैनल से लात मार के बाहर भगा दिया गया। आलिया मुझसे मोहब्बत करने लगी। मेरी सिस्टर शहर की सबसे खूबसूरत लड़की बन गई और कितने अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। मेरी लाइफ सेट है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सब कुछ तुमने अपने लिए किया? जी। उस दिन मुझे दुनिया के दुख दर्द सुना रहे थे, दुनिया के लिए क्या किया तुमने? पावर मिलते ही दुनिया को भूल गए? फ्रैंकली स्पीकिंग गॉड जी, टाइम ही नहीं मिला, लेकिन कल से आई प्रॉमिस कि मैं बहुत कुछ करूंगा। कल तो तुम्हारा आखिरी दिन है। क्या? अच्छे दिन कितने जल्दी बीत जाते हैं। कोई बात नहीं, एक दिन काफी है इस दुनिया का कल्याण करने के लिए। आफ्टर ऑल आई एम गॉड। चलो देखते हैं, जो काम मैं हजारों साल में नहीं कर सका वो तुम एक दिन में कैसे कर देते हो। आपने कहा था कि मोटरसाइकिल दिलाओगे, लेकिन आप भी ना। रुमत, ची, चल, तेरी मोटरसाइकिल तुझे मिल जाएगी। बाय गॉड, बाय गॉड, निकल। तो इस दुनिया में जिस चीज को जो जो चाहिए, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। क्या क्या क्या? अबे सवर, अरे स्लो डाउन, अबे रुक के, धीरे धीरे क्या? अरे अरे रुको यार, अरे क्या भाव है तुम लोग, मुझे उसकी समझ में आ रहा है। धीरे अरे एक इस दुनिया में लोगों को मांगने के लिए कुछ काम नहीं है क्या? मेरे बच्चों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक एक करके सुनाओ प्लीज, क्या चाहिए आपको? माधुरी दीक्षित। अबे किसी और की बीवी, ये भी कोई मांगने की चीज है? तू सुना। हे भगवान, मुझे कुत्ता बना दो। एक सेकंड, एक 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 सुनने का टाइम नहीं मेरे पास। इस दुनिया में जिस जिसको जो जो चाहिए, सब सबको सब कुछ मिले, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इनकी खुशी में मेरी खुशी है, तो सबकी दुआएं कबूल कबूल कबूल।
तो इस दुनिया का कल्याण कर दिया एपी। एपी साहब आपकी जुबान ऊपर वाले ने सुन ली साहब। अच्छा देखिए ना बड़े साहब ने मोटरसाइकिल चाबी दे दी। अच्छा जब ये बच्चों को घुमा के ले गया और सुन लौटते हुए मिठाई भी ले गया ना। जी जी देखा सुकून तसल्ली सेटिस्फैक्शन। तुम क्या समझोगे यार। बस बेटी जीती रहो आज तो तुम मिलने आई हो अब जल्दी आ जाओ इस घर में हमेशा के लिए। सुनिए जी ये मेरी बहन है तुमसे बड़ी इसका नाम एमपी है जरा इनके भी पांव छू लिए। माँ के पांव छुआ लिए बहन के पांव छुआ लिए अब आस पास वालों के पड़ोसियों के पांव छुआ लेना लेकिन बाप के पांव कभी मत छुआना। अरे सबर करो ये मेरे बाबूजी इनके पांव छू लो। जीती रहो एक मिनट भगवान तुम दोनों को इसी तरह चैनल का स्टार बनाए रखे और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई तो मेरे पास चले आना मेरी अभी भी म्यूनिसिपैलिटी में चलती है मैं वहां नौकरी लगवा दूंगा। ओके ये लो बेटा ये तुम्हारे लिए शगुन की चुनरी है और शादी के दिन इसे सर पे ओढ़ के रखना भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखेगा। गंगूबाई कहाँ थे तुम 4 घंटे से गायब हो और तुम्हें पता है आज मेरी होने वाली बहू घर आई हुई देखो कितना सजधज के आई है। छोटी बालकिन तो खूब जानती थे साहब आपने अपुन की लाठी के बारे में बताया अपुन की 2 करोड़ की लाठी खुली है 2 करोड़ की नहीं। अरे अपुन अब कल से काम पे नहीं आएगी। हाँ दूध आ रही ना फ्लैट देखने के वास्ते। हाय अब नई गाड़ी खरीदेगी बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाएगी और इस दगड़ू को भी अंग्रेजी पिलाएगी। ए कारे दगड़ू ओके गंगू। अरे अरे हाँ अपने नए घर में आप लोग को खाने पे बुलाएगी तो आप लोग आएगा ना। नहीं नहीं आ, आएंगे आएंगे गंगू भाई हम जरूर आएंगे। ठीक है अब मैं चलती हूँ मेरे को बहुत काम है। और सुनो आप लोग काम के वास्ते नई बाई रखोगे ना तो आप उनके वास्ते भी एक ढूंढ लेना। ए दगड़ू देखा बेटा सालों से हम अपनी अपनी लक्ष्मी को तरस रहे थे उसे उसकी लक्ष्मी मिल गई और मुझे मेरी।